नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और पंचायत चुनाव को लेकर के हमने एक नई सीरीज तैयार की है जिसके तहत आज हम सिकरौल पंचायत में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और अगर बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। राजपुर तथा डुमराव प्रखंड का चुनाव संपन्न कराया जा चुका है तथा अन्य प्रखंडों में भी अब चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। अगर बात कर ले पंचायत के रिजल्ट की, परिणाम की बात कर लें, तो लगभग परिवर्तन हर जगह नजर आ रहा है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों में भी अब बेचैनी देखने को मिल रही है। हमसे बात करने के लिए अभी मौजूद हैं सिकरौल पंचायत के मुखिया विभोर कुमार द्विवेदी जी, जिनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा वह कैसा रहा और कितने कार्य हुए पंचायत में और कौन कौन से ऐसे कार्य भी थे जो कि अभी अधूरे छूट चुके हैं। तो सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकरौल पंचायत की अगर हम 5 साल के कार्यकाल की अगर हम बात कर लें, देखिए पिछला 5 वर्ष हमारा जो कार्यकाल रहा है उसमें हमने जो विकास की योजना है उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। नल जल के अलावा गली नली और अनेकों ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको हमने पंचायत में अपने पूर्ण कराया है। इन सब के अलावा जो एक लोगों के मन में धारणा बनी है कि विकास सिर्फ नली गली के माध्यम से ही होता है, इसको भी हमने तोड़ते हुए किसानों की समस्या, जो सिंचाई की समस्या यहाँ मुख्य रूप से है, क्योंकि यह नहरी क्षेत्र होते हुए भी पानी खेतों तक पहुँचाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, तो मनरेगा के माध्यम से हमने गार्ड वाल का निर्माण कराया है। ये शुरुआती तौर पर एक प्रयोग के तौर पर ही हमने शुरू किया है, पर 7 गार्ड वाल का निर्माण हम अभी तक पंचायत में करा चुके हैं। किसानों को इससे काफ़ी लाभ भी हुआ है और आगे भी हम इस तरह की योजना को आगे कराते रहेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये एक नई तरह की सोच है, बहुत लोग इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि जो जल है बारिश का पानी उसको हम एकत्रित करके जमीन में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, ये आज नहीं ये भविष्य के लिए कितनी जरूरी ये योजना है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने अलग हट करके भी पंचायत में किया है और आगे भी कराने का कार्य करते रहेंगे। अच्छा, एक एक करके अगर हम बात कर ले, सरकारी योजनाओं की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, 5 सालों में इनकी क्या स्थिति रही? जितना हमने 5 वर्षों में घूम करके और हर एक स्थिति को समझा है और उसे बेहतर कराने का प्रयास हमेशा किया है। मैं स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ सिकरौल में, जर्जर स्थिति में उसके भवन थी, संपर्क पथ जो मुख्य रोड से वो जाता है वो भी नहीं था। हमने मनरेगा के माध्यम से उसे दुरुस्त कराया है, संपर्क पथ का निर्माण कराया। यही नहीं, हम जिलाधिकारी के माध्यम से और आगे भी हम ब्लॉक स्तर से भी हमने जाकर के डॉक्टर के यहाँ बैठने की व्यवस्था भी कराई, क्योंकि सिर्फ केंद्र था, डॉक्टर भी यहाँ नियमित नहीं बैठते थे। समस्या आज भी है, डॉक्टरों की कमी है, बुला लिया जाता है, फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं कि एक नियमित रूप से यहाँ कम से कम डॉक्टर बैठे। शुरुआत में जब मैं मुखिया था तो जब पहली बार मैं स्वास्थ्य केंद्र में गया था तो मैंने देखा था कि यहाँ एक फर्स्ट एड किट एक बॉक्स रखा हुआ था मात्र, और भवन एकदम जर्जर स्थिति में था। हालांकि सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजना आती है, बस पंचायत से ही मैं नहीं कहूँगा, उसके बाद से इसे वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया गया तो भवन की स्थिति भी सुधार हुई है काफ़ी, और बहुत कुछ हुआ है इसमें। शिक्षा के बारे में बात करूँ तो हम नियमित रूप से जो पंचायत के शिक्षक हैं उनके साथ भी बैठक करके, बातचीत करके, या जो इंस्पेक्शन होता है हमारा, हम जाते हैं स्कूलों में और गार्जियन से भी हमारी बात होती है, अगर कहीं शिकायत मिलती है कि टीचर यहाँ टाइमली नहीं आ रहे हैं तो उस पर भी उनसे बात हुई है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी है व्यवस्थित तरीके से यहाँ सब कुछ चलते रहे। अच्छा, अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कर ले, राशन की बात कर ले, पेंशन की बात कर ले, आवास की बात कर ले, या 7 निश्चय की बात कर ले, उनकी स्थिति कैसी है? यह एक राशन के बारे में आपसे बताऊं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास हम हमेशा से करते हैं। जहां जाते हैं अगर शिकायत मिलती है हमें कि ये परिवार है इसकी दयनीय स्थिति है तो हम तत्काल एक हमने टीम गठित करके रखी है पंचायत में, जो कि उनका फॉर्म फिलअप करा करके उन्हें नहीं दौड़ना पड़े,
और बिचौलियों का भी इसमें कोई रोल नहीं रहे, इसलिए वो टीम ही खुद इन्वॉल्व होती है और वो जाकर के ब्लॉक स्तर से उनका काम करा कर लाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभान्वित किया जा चुका है, कुछ हैं जिन्हें अभी और बाकी है, तो यह जैसा कि मैंने बताया एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। आवास की भी यही स्थिति है, जो हमारा टारगेट था पिछले वर्ष का उसे हमने पूरा करा लिया है और बहुत सारे लोगों का नाम जोड़ा गया है जिसका चुनाव के बाद से फिर उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और बार बार मैं ये घूमकर जो आप अन्य पंचायतों में सुनते होंगे, ये मेरी तरफ से अपील रहती है कि आप बिचौलियों के यहाँ न जाकर के सीधे मेरे यहाँ आए, और ताकि आपका जो पैसा है बिचौलिया जो खा जाते हैं वो कोई ना खाए, आपके सीधे खाते में जाए, उसका आपको लाभ मिले। अच्छा, इस बार पुनः एक बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार कौन कौन से किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो है पंचायत सरकार भवन का निर्माण यहाँ पंचायत में कराना। ये पिछली बार हमने कोशिश की थी, लेकिन इस बार हमारा ये रहेगा कि पहले ही वर्ष में इसका भूमि आवंटित हो चुकी है, निर्माण इसी वर्ष से शुरू करा दिया जाए। दूसरा, बच्चों के खेल कूद के लिए पार्क का निर्माण मनरेगा के माध्यम से, दो बड़ी जगह है हमारे यहाँ सिकरौल में और खंडेचा में, दो जगह बच्चों के खेल कूद के लिए पार्क का निर्माण कराना, ये हमारी एक प्रमुख ये है प्राथमिकताओं में कि इसे हम अगली बार कराने वाले हैं। जो विकास की अन्य योजनाएं हैं, गली नली, ये जहां छूट चुकी हैं उन्हें आगे बढ़ाना, और गार्ड वाल जो बोला था हमने, इसके और व्यापक स्तर पे फैलाना, क्योंकि नहर से जो दूर गांव है वहां तक पानी पहुंचाना। अब पहले हमारी कोशिश ये थी कि जो पास में है, जहां एक प्रयोग के तौर पे पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए हम इसे आगे भी और ले जाने का प्रयास करेंगे, यही सब है। अच्छा, चुनावी जो नतीजे जो अभी आ रहे हैं, दो प्रखंड के नतीजे आए, राजपुर तथा प्रखंड, वहाँ ये देखने को आ रहा है कि 80% जो है वो जनता बदलाव कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी जनता आपको अपना समर्थन देगी? जी, मुझे बिल्कुल भरोसा है इस बात का, और मैं मीडिया के माध्यम से ही जब मैंने इन खबरों को पढ़ा था कि 80% जनता बदलाव कर रही है, देखिए ये हर बार होता था, ये कोई नया नहीं है, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपना कार्य बखूबी किया है, आपने देखा होगा कि वो फिर से जीत कर आए हैं, तो मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और लोगों के बीच जा करके अपनी विकास की जो योजना है और जो मेरे मन में जो सोच है वो उनके सामने स्पष्ट तरीके से रख रहा हूं। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद फिर से मिलेगा और वापस जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी, एक बार पूरा मौका देगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सिकरौल पंचायत के मुखिया विभोर कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी बातें बेबाक तरीके से रखी तथा इन्होंने बताया है कि इस बार जनता के बीच वो शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं तथा पुनः इनको एक बार जनता अपना समर्थन जरूर देगी। सहयोगी मनीष के साथ सुमित पांडे, बक्सर खबर।